सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादा जैन। घड़ी रात के 8 बजा रही है, सप्तमी का दिन है और कुछ नई शुरुआत हो रही है। आज आपको बताएंगे, बार बार चौंकाएंगे, आहार विहार का ध्यान रखो, विहार में एक और मुनिराज की आज सड़क दुर्घटना में देवलोक को मन हो गया। एक छोटे बच्चे के बारे में बताएंगे, अरे जो 70 साल के नहीं कर पाते, 60 साल के बाद वो 6 साल का बच्चा कैसे कर दिखाता है, वह भी बताएंगे। पर सबसे पहले कहते हैं, पहले गुरुवर के दर्शन कर लें तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है, माना मजा आ जाता है, आनंद लूट पड़ता है। ये है आज सुबह के आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज के आहार के पड़गाहन के दृश्य और फिर आहार के दृश्य। बस ऐसे संतों की हमारे अंदर कृपा रहे, उनकी ऊर्जा किरणें तरंगे हमारे भीतर ऊर्जा स्रोत बनती रहें, आत्मसात करते रहें। हमें ऐसे दृश्य देखकर कहते हैं अपने आप कर्मों की निर्जरा अपने आप होने लगती है। बस अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण दिखाना होता है, वहाँ का तार अपने से अपने आप जुड़ जाता है। गुरुवर जयवंत हों और आप जितने आगे चढ़ते बढ़ते जाते हैं, हम आपके पीछे कहते हैं बस में लटके लटके आपके साथ पार हो जाएं, यही भावना बातें हैं। आपको ये देखकर दर्शन सभी को यह सुहाते। और अब आज की ही दूसरी घटना आज सुबह की है, गुजरात की है, पश्चिमी भारत की है। वापिस से भिलट की ओर एक साधु का विहार हो रहा था। अचल गज के युवा संत मेघ रक्षित सागर जी, 16 साल की दीक्षा थी, गाठ को पर में दीक्षा हुई थी कहना पड़ रहा है। विहार जब वापिस से बिलट की ओर हो रहा था, वाहन की टक्कर में इतनी भयानक टक्कर थी कि वहीं पर घटनास्थल पर देवलोक का गमन हो गया। बाद में अंतिम क्रियाएं की गई। आज ये सवाल हमारे समाज के सामने यूं ही प्रश्न अनुत्तरित रहता है कि विहार में इस तरह की घटनाएं, विशेषकर ये पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की जो बेल्ट है ना, इसके अंदर लगातार इस तरह की घटनाओं की बहुत सूचनाएं मिलती हैं। इस पर कोई रोकथाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है। क्या हाईवे पर इस तरह के पैदल चलने के लिए कोई सुरक्षित रास्ते नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या जानबूझकर इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी पूरी जांच क्यों नहीं होती, अधूरी फाइल 4-5 दिन बाद क्यों बंद कर जाती है, दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी बात, क्या जैन समाज बार बार विहार के बारे में इस तरह की घटनाएं मिलने के बाद क्यों सजग नहीं हो पाता, यह भी बहुत चिंतन वाली बात है। ये तीन बातें हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात, जब यह सरकार द्वारा विशेष आदेश है कि आपके साधु संत जाते हैं तो निकट वाले आने वाले थाने को अभी पूर्व सूचित कर दें, जिससे व्यवहार में पूरी सुरक्षा मिल सके, क्यों इस तरह की बात को हम अपने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। ये चार बड़े कारण हैं, ये जैन समाज की कमजोरी को बताते हैं, प्रशासन के ढीलेपन को दिखाते हैं और जो निशाना बनाते हैं उन सबके हौसले बुलंद करते हैं। ना हम जागना चाहते हैं, ना किसी को जगाना चाहते हैं, बार बार कहते रहते हैं, फाइलें बंद होती रहती हैं, कहीं कुछ नहीं होता, वही ढाक के तीन पात जैन समाज रह जाता है। एक संत बीच में से समय समय पर चले जाते हैं, फाइल शुरू होती है, बंद हो जाती है, जागता है समाज 4 दिन रहता है और फिर उसके बाद सब कुछ सफा चट। चिंतन की बात है ये कि एक और युवा संत का हमारे बीच में से विहार के कारण दुर्घटना होने पर देवलोक गमन हो गया। समाज स्तब्ध है पर चिंतित शायद आगे के भविष्य के लिए बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे कदम चलते हैं और फिर बड़े होके बाजुओं में दम रखते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा देख रहे हैं, उम्र कितनी है, मात्र 6 साल, और दिखा रहे हैं हम आप उसको 40, 50, 60, 70 साल वालों को। जज्बा देखो बच्चे का, शिखर जी की यात्रा दादाजी के साथ कर रहा है, एक नहीं दो दो वंदना कर रहा है। जब इस जज्बे में इतना दम है और आप सबकी बाजू में टांगों में शायद बहुत कम दम है, दिखाता है अदब साहस। अगर मन में पक्की बात हो, तक के विचार हो, तो शिखर जी की 27वीं वंदना कोई छोटी बन जाती है। अरे अपने आप पारस बाबा, उधर चंदा प्रभु बाबा, हर कोई अभिनंदन प्रभु, गौतम गर्दन के पास कुंद्रो, सबकी हिम्मत अपने आप इन छोटी छोटी टांगों में आ जाती है। और क्या विरले रूप से दिखाता है, 6 साल का बच्चा 60 साल के वालों को भी कुछ सिखाता है। करो वंदना शिखर जी की, करते रहो गिरनार की, जब जब तीरथ की वंदना करोगे तभी तभी तीरथ सुरक्षित रहेंगे। कल श्रुत पंची कुछ चित्र दिखाए थे आपको, बच्चों के संस्कार दिखाए थे, एक संस्कार का दृश्य देखिए किस तरीके से जागृति निकले में, बहुत खूबसूरत दृश्य। आरिका माताओं द्वारा, मुनिषियों द्वारा इस तरीके से जीवा के ऊपर ओम लिखे गए थे, बच्चों को संस्कारित किए गए थे। कहते हैं जब बच्चे ऐसे संस्कारित हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान भी उनके अंदर के अपने आप जीवंत हो जाते हैं, हर आत्मा में परमात्मा है। इस तरीके संस्कार हुए,
गजब के दृश्य ऐसे दिल्ली ने पहली बार देखे थे, छोटे छोटे बच्चे को संस्कारित करते हुए मुनिराज और आरिका माताएं। शुद्ध पंचमी की ओर कल दो समाधि मरण की सूचनाएं दी थी, उसमें आपको हमने, और आज यह दिखा रहे हैं शुल्लक दीक्षा। भागलपुर की बात है, झारखंड राज की अतिथि के रूप में गणाचार्य विराग सागर जी शिष्य मुनि श्री विशल सागर जी द्वारा। कौशाम्बी यूपी की हैं ब्रह्मचारिणी रामप्यारी देवी जी, और उन्हें यह शुल्लिका दीक्षा यहाँ दी गई धवल श्री माता जी के रूप में। इस अवसर पर मुनिषि ने साफ साफ कहा कि आज देश को अणु बमों की उन बमों की आवश्यकता नहीं है, आज तो अणु व्रतों की आवश्यकता है। छोटे छोटे व्रत अगर रखते जाएंगे, बड़े बड़े अपने आप बनते जाएंगे। आज कदम एक उठाया है, कल चार कदम खुद चलने पाओगे। इसी तरीके से हम संस्कार देकर अपने संसार को छोटा कर सकते हैं, और इस रास्ते को संसार में घुमाने के बजाय मोक्ष की ओर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी आपके पास। सादर जय जिनेन्द्र।